हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया है ना, बस ये उसी के आगे का व्लॉग है। सुबह के टाइम मैंने ऊपर की छत वगैरह क्लीन की थी, रूम क्लीन किया था। तो अब ये शाम का व्लॉग है, उसी दिन का, वेडनेसडे का। तो अभी मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने, और बच्चों ने बोला है कि उनको बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए। तो बस मैं उनके लिए बॉर्नविटा वाला दूध बना के दे रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का फिक्स नहीं रहता है ना। कभी प्लेन दूध पीते हैं, कभी बॉर्नविटा डाल के पीते हैं, कभी चाय पीते हैं। तो इसलिए उनसे पूछ के ही मैं बनाती हूँ। जब उनको जो पीना होता है उसी हिसाब से मैं उनके लिए बना देती हूँ। और ये कप देखिए, ये सानू है, सानू का कप है। ये इस बार का बर्थडे जब हुआ था ना, सानू का सेप्टेम्बर में बर्थडे हुआ था, तो सानू की मौसी ने ये गिफ्ट दिया था सानू को। और ये वाला कप है दक्ष का। दक्ष जब छोटा था तब ये कप बनवाया गया था। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। और जब इनको दूध पीना होता है ना, तो वो अपने इसी कप में दूध पीते हैं, इसके अलावा और किसी कप में नहीं पीते हैं। चाहे तो वो किसी भी कप में पी लेंगे, लेकिन दूध पीना होगा तो वो लोग इसी कप में पीते हैं। तो इधर मैंने बच्चों को दे दिया है दूध, फिर मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और चाय में मैंने चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब कुछ डाल के खौला लिया है। और ये देखिए, ये मेरी चाय भी तैयार है। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और चाय पीने के बाद मुझे एक और बहुत बड़ा काम करना है, क्लीनिंग का, तो मैं वो करूँगी। तो जो मैंने बताया ना, बहुत बड़ा काम करना है मुझे क्लीनिंग का, तो आज मुझे करना है अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन। क्योंकि क्या हाल हो रखा है ड्रेसिंग टेबल का, ये देखिए आप, पूरा ऊपर से नीचे तक सामान फैला पड़ा हुआ है। जिसको जो मन चाहता है वो वहाँ वो सामान डाल देता है। क्योंकि सच में यार, इतनी हड़बड़ी रहती है ना सुबह, इतनी जल्दी रहती है। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना रहता है, तो जहाँ जो सामान दक्ष ने उठाया वो रख दिया, उनके पापा ने जो सामान जहाँ से उठाया वो रख दिया, सालों ने जो सामान जहाँ से उठाया वो रख दिया। और मैं भी सुबह यही करती हूँ, जो सामान जहाँ से उठाती हूँ मैं इधर उधर ही रख देती हूँ, बाद में उसको अरेंज करके रखती हूँ। क्योंकि सुबह भी ना इतना टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता, यही होता बस जल्दी जल्दी काम करते रहो। और इधर का ये पोर्शन भी देखिए, ये भी मुझे क्लीन करना है। तो सबसे ऊपर ना ये दवाइयों का पोर्शन है, तो इसमें से मैं सबसे पहले दवाइयों को निकाल दूंगी और देखूंगी इसमें जो भी एक्सपायर हो गई होंगी दवा, उसको मैं निकाल के अलग कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर का पोर्शन पूरा खाली कर दिया है। अब इसको मैं ना पूरा अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही इसमें मैं सामान रखूंगी। देखिए सारी दवाइयाँ मैंने इस पर अरेंज कर दी हैं, जो एक्सपायर थी निकालने वाली थी वो मैंने हटा दिया है। अब इस वाली रैक की बारी है, अब इसको भी क्लीन कर देंगे। देखिए इसमें क्या क्या है हटाने वाला, पहले इसको हटा देंगे, सारा सामान ये निकाल देंगे इधर। बीच वाले पोर्शन को मैंने इस तरह लगा दिया। इधर मैंने नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश है, और ये देखिए, ये है मेरे पापा की फ़ोटो। ये मेरे पापा की फ़ोटो है जो हमेशा मेरे ड्रेसिंग टेबल में रहती है। उसके बाद से इसमें बिंदियाँ हैं जो घर में यूज़ करती हूँ मैं, वो है। और थोड़ी ये इसमें मैंने रखी जो रेगुलर यूज़ में, उसके ऊपर ये सारी लिपस्टिक है इसके अंदर। इस बॉक्स में आई नहीं, छोटा पड़ गया बॉक्स, लेकिन मैंने फिर भी इसी में अरेंज कर दिया है। और इधर ये देखिए, इधर ये टिक टैक वाली जो भी पिंस है वो इस बॉक्स में, और इधर बैंड वगैरह जो मैं यूजुअली घर में यूज़ करती हूँ ना, वो सारा सामान इसमें। जो बाहर यूज़ करने वाला सामान वो मैं अलमारी में रखती हूँ। अब इस वाले पोर्शन की बारी है, तो इसमें जो ये घर में मैं चूड़ियाँ यूज़ करती हूँ, वो सारी चूड़ियाँ हैं, और काफ़ी चूड़ियाँ ना इसमें से ख़राब भी हो गई, तो वो मैं हटा दूँगी। तो ये देखिए, चूड़ियाँ भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी मुझे साफ़ करना है। और वैसे चूड़ियों में ना एक ही मतलब थोड़ी चूड़ियाँ होंगी जो मुझे निकालनी होंगी, बाकी के सारी सही हैं। तो जो मैं घर में यूज़ करती हूँ ना चूड़ियाँ, अदल बदल के पहना करती हूँ, बस वही सारी चूड़ियाँ हैं इसमें। बाकी जो कहीं आने जाने वाली चूड़ियाँ, वो अलग कलेक्शन मेरा है, वो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास जो भी कलेक्शन है मेरी चूड़ियों का, वो मैं ना किसी और दिन आपके साथ एक वीडियो बना लूँगी अलग से, फिर शेयर करूँगी। तो उसके बाद ये लास्ट वाला पोर्शन है, इसमें सारा मेरा ना एक्स्ट्रा सामान है।
जो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ डेली, वो सारा सामान मैंने इसमें रखा है। तो इसका भी मैं सारा सामान बाहर निकाल ले रही हूँ, उसके बाद अच्छे से इसको क्लीन करके दोबारा से अरेंज कर दूँगी। तो ये देखिए, इसको भी मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ, ये वाला पोर्शन भी, क्योंकि जितनी ये धूल मिट्टी होती है ना, ये पता नहीं कहाँ से अलमीरा के अंदर और ड्रेसिंग टेबल के अंदर आ जाती है। हर चीज़ बंद रहती है, उसके बावजूद हर जगह मिट्टी, धूल मिट्टी दिखाई देती है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए, जो आइसक्रीम के ये डिब्बे हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर मैंने सिंदूर रखा है, ये ऑरेंज वाला सिंदूर है इसमें, और इसके अंदर ना ये रेड वाला सिंदूर है। और ये मेरे सिंदौरा हैं दोनों, ये शादी के सिंदौरा है मेरे, तो इसमें भी मैंने सिंदूर भर के रखा हुआ है। बाकी का सामान मैं सब ऐसे ही अरेंज करके रख दूंगी सही से। तो ये देखिए, सारा सामान अरेंज हो गया है। तो ये देखिए, सबसे ऊपर वाले में सारी दवाइयाँ हैं, दूसरे में मेरा मेकअप का सामान है डेली यूज़ वाला, जो भी मैं डेली यूज़ करती हूँ, अपना लिपस्टिक बिंदी वगैरह है इसमें। इसमें चूड़ियाँ हैं जो डेली यूज़ वाली हैं, और ये सानू का सामान है, इसमें क्लिप्स वगैरह हैं, और पीछे वाले में बैंड्स हैं, ये हेयर बैंड का बॉक्स है, इसमें हेयर बैंड रखती हूँ सानू। और ये एक्स्ट्रा सामान है जो भी मतलब यूज़ नहीं करते, वो इसमें रख देते हैं। और इधर का ये पोर्शन देखिए, इधर कितनी धूल मिट्टी है। तो लगभग एक हफ्ते से मैंने ड्रेसिंग टेबल क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बिजी थी थोड़ा दक्ष के टेस्ट में, तो इसलिए एक हफ्ते में ये हाल देखिए ड्रेसिंग टेबल का क्या हो गया है। अब मैं सारे पोर्शन को अच्छे से ना सामान हटा हटा के पूरा क्लीन कर लूँगी, उसके बाद दोबारा से इधर भी सारा सामान अरेंज कर दूँगी। तो हर पोर्शन में है ना अलग अलग तरह से सामान मैंने रखा हुआ है। फर्स्ट पोर्शन में जितनी क्रीम वगैरह है, डीओ है, ये सब रखा है, ऑयल है। सेकंड पोर्शन में थोड़ा मैंने अपना सामान रखा हुआ है, मेकअप का क्रीम वगैरह, और इसी तरह से सारा सामान मैं अरेंज किया है मैंने। तो ये देखिए कितना अब साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इस तरह से मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया है सारी पोर्शन में, पहले पोर्शन में भी और ये अगले पोर्शन में भी। देखिए कैसे मैंने अरेंज कर दिया है सारा सामान। और ये नीचे वाले पोर्शन में ना सिर्फ पफ रखा हुआ, एक बॉक्स ऐसे ही मैंने रख दिया कि कोई अगर सामान कुछ उठाए तो इसी में रख दी, इधर उधर फैले नहीं जिससे। तो ये इतना ये हो गया है क्लीन। अभी ये वाला पोर्शन नहीं मैंने किया है, क्योंकि ये अभी नीचे का ड्रेसिंग टेबल का बाकी है, वो सब करके तब मैं करूँगी। इसको भी क्लीन कर दूँगी मैं अच्छे से। ये इसमें सामान आपको बहुत कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये सामान ना अभी मुझे लाना है, कि मंथ का एंड चल रहा है, इसलिए सामान मैं अभी नहीं लेके आई हूँ। हर बार ना मैं सामान जो लाती हूँ वो मंथ की स्टार्टिंग में लाती हूँ, मतलब 5 से 10 तारीख के बीच में मैं सामान लाती हूँ, और पूरे महीने का सामान मैं एक ही बार में लाती हूँ, मैं बार बार नहीं लाती हूँ। तो मंथ एंड चल रहा है, इसलिए सामान हो गया है ख़त्म, लगभग सामान इसमें ख़त्म है। तो दोबारा से मैं सामान लाऊँगी जब स्टार्ट होगा वो दूसरा मंथ, उसके बाद ही। तो ये भी पोर्शन मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, और क्लीन करने के बाद दोबारा से ना मैं इस सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब ये नीचे वाले ड्रॉअर में क्या है, अच्छा नीचे वाले ड्रॉअर में ना ये थोड़ा कॉटन वगैरह रखा है, प्लस मैं इसमें ना सिलाई का सामान रखती हूँ, ये सब सिलाई जो बॉक्सेस में है ये सब सिलाई का ही सामान है इसमें। तो जो सुई धागा हो गया या और जो भी सिलाई से रिलेटेड जो भी सामान है वो मैं इसी ड्रॉअर में रखती हूँ। तो इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, और क्लीन करने के बाद इसमें भी मैं सामान अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो ये देखिए, पूरा ड्रेसिंग टेबल मेरा क्लीन हो गया है, एकदम साफ हो गया है ऊपर से नीचे तक। नीचे के दोनों ड्रॉअर भी मैंने साफ कर दिए हैं, और दोनों साइड का जो है ये देखिए, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा ये सब क्लीन हो गया है। इधर का ये क्लीन हो गया, इधर का ये क्लीन हो गया है, और बाकी ये देखिए इतना सामान ना सिंगारदान में रखा था ड्रेसिंग टेबल में जो वेस्ट था। दोनों पाउडर के डिब्बे में थोड़ा थोड़ा सा पाउडर था, इसको मैंने ना इसमें पफ वाले बॉक्स में भर दिया है, पफ वाले डिब्बे में।
और बाकी जो लिपस्टिक पड़ी हुई है इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इसका ना मैं कुछ ना कुछ यूज़ दिवाली में ज़रूर करूंगी डेकोरेशन के तरीके से। लेकिन जब मैं करूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि हाँ मैंने किस तरह से अपना जो है दिवाली में लिपस्टिक का यूज़ किया है, जिससे कि आप लोग भी अपनी वेस्ट जो लिपस्टिक हो जाती है ख़राब हो जाती हैं इनको आप फेंकिए नहीं। मेरा ना ड्रेसिंग टेबल का भी काम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतना सब फैल गया है इसमें, सब लोगों ने इतना सामान फैला दिया है, तो फाइनली आज जो है ये सही हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जो मेरी ड्रेसिंग टेबल एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। लेकिन अगर आपको कल आपको मैं फिर से दिखाऊंगी ना तो उसी तरह हाल आपको दिखेगा, क्योंकि अगर कोई सामान कहीं से उठाएगा तो वहीं वापस नहीं रखता, इधर से उधर सामान हो जाता है। तो फाइनली आज मेरा ड्रेसिंग टेबल का भी काम हो गया है, अब मुझे जाना है खाना बनाने क्योंकि 8:30 बज गया है, और अब देखते हैं जो भी ये लोग कहेंगे वही मैं बनाऊंगी खाने में। बच्चों खाने में क्या खाओगे? खिचड़ी। खिचड़ी खाओगे? तो इन लोगों की फरमाइश है खिचड़ी खाने की, तो अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी खाओगे और कुछ नहीं खाओगे? तो ये लोग खिचड़ी ही खाएंगे, तो अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। और खिचड़ी ना बड़े प्याज हींग जीरा सब डाल के मैं उसको छौंकती हूँ, अच्छी लगती है खाने में, तो वही मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। अब बच्चों ने कहा है तो वही बनाना है। तो मैंने ना ये उड़द की दाल ली है और चावल लिया है, इसको अच्छे से देख लिया है, इसमें कुछ भी जो बीनने वाला है वो बीन लिया है, साफ़ कर लिया है बीन के। तो ये देखिए मैंने चावल ना 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, खूब अच्छे से धुल लिया है, और ये आधे प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 लाल मिर्च ली है सूखी वाली, और आधा चम्मच जीरा लिया है, और थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो ये देखिए कुकर गर्म हो गया है, तो उसमें सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है। तो ये देखिए जब तेल गर्म हो गया है तब इसमें मैंने डाल दिया 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और पिंच भर हींग डाला है मैंने, यानी 1 चुटकी सिर्फ। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, जब जीरा तड़कने लगेगा तब इसमें प्याज डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज थोड़ा सा भुन गया है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, काला नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पिंक होने तक ही भूनना है। और जब ये प्याज पिंक हो गया है ना तब इसमें मैंने ये दाल और चावल जो मिक्स किया है खिचड़ी बनाने के लिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो लगभग 1 मिनट इसको अच्छे से ऐसे ही भून लेंगे, अभी ना पानी डालेंगे ना कुछ भी, सिर्फ ऐसे ही इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून गई है खिचड़ी, अब इसमें ना पानी डाल देंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हिसाब से ही डालेंगे कि खिचड़ी हमारी एकदम खिली खिली बने, ज़्यादा चिपचिपी नहीं बने, गीली ना हो, इसलिए हम हिसाब से थोड़ा ही पानी इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब डाल देंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी तैयार है, और कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और ये देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी है। तो आप इस खिचड़ी को ना देसी घी इसमें डाल के बढ़िया दही और सैलेड अचार के साथ अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो खिचड़ी तैयार है, मैंने बच्चों को दे दिया है और अपने लिए भी निकाल लिया है, बाकी अभी पापा आए नहीं है, जब पापा आएंगे तो उनको मैं दे दूंगी। अभी उनको आने में ना बहुत टाइम है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा है, क्योंकि अभी 9:30 बजे हैं, हस्बैंड को खाना नहीं है और मम्मी है नानी के वहाँ, तो हम ही 3 लोग हैं घर पे, तो हम लोग खाना खा ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चों को सोना है, जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं ना यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऊपर जो मैंने क्लीनिंग की है या अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ किया है वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, और ना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।